वेल हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंटरनेट इम्यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट इम्यूनिटी, जहाँ आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है वो भी बिना कोई इंजेक्शन लगाए। तो आज की इस वीडियो में आपको इंटरनेट की कुछ ऐसी वियर्ड वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर फालतू की बकलोली करे बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि फेकबुक, गूगली, अमेज़न एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब से जियो के सस्ते इंटरनेट प्लान आए तब से लेकर आज तक आपने कई ऐसी वेबसाइट भी चलाई होंगी जिसके बारे में तो सिर्फ आप ही जानते होंगे। वेल, समझदार को इशारे काफी। बड़ी मस्ती करता तू। तो पहली वियर्ड वेबसाइट का नाम है 1111111111111। इसकी माँ का कितने वन है इसमें? 1111। वेल, इसमें तो बहुत सारे वन है। अब इसमें कितने वन है वो मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगा, फिलहाल मुझे नहीं पता इतने सारे वन में कितने वन है। तो ये है इतने सारे one.com, ठीक है। इस वेबसाइट को खोलते वक्त कृपया अपनी विवेक से काम ले। अब इस वेबसाइट को खोलते ही आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी बॉडी को अलग ही तरह से एक्सपोज करते हुए नजर आता है। ये देखो, अब इस वेबसाइट को देखकर साफ पता चलता है कि इस वेबसाइट का ओनर आर्नोल्ड का कितना बड़ा डाई हार्ड फैन है, जो उसने आर्नोल्ड का चेहरा लड़कियों की बॉडी पर फिट कर रखा है। हद है यार। अब अगर आप इस साइड में खड़े सिंगर किंग कॉन्ग पर टच करते हो तो यहाँ पर एक होली प्लास्टिक ब्यूटी नाम का एक मैसेज शो होता है, और इसी के साथ आपको छोटे मोटे मैसेज भी यहाँ पे दिख जाते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, इससे ज्यादा इस वेबसाइट में और कुछ नहीं है। अब इस वेबसाइट को इसके ओनर ने क्यों बनाया ये तो आप समझ सकते हैं। वेल, अब आते हैं अपनी अगली वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है chrismackenzie.com। ये तो बड़ा सा इजी नाम है। अब इस वेबसाइट को खोलते ही आपके सामने एक छोटा सा क्यूट बॉक्स जिसका फेस भी है वो आता है, जो पहले तो शांत रहता है पर जैसे ही आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो ये खुश होकर आपकी फिंगर को फॉलो करने लगता है, लाइक दिस। ये देखो, इधर उधर कर रहा है, पर जैसे ही आप अपनी फिंगर को स्क्रीन से हटाते हैं तो ये हैरानी से आपको ढूंढने लगता है। ये देखो, अरे कहाँ गया, यही तो था, हैं किधर गया? मैं यहाँ हूँ बच्चा, क्या तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो? हाँ भाई हाँ। तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है। तो पहला सवाल, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई हाँ। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में पुदीना, अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च और भी कुछ चीजें हैं? ना भाई ना। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में भांग? अब आते हैं अपनी अगली वियर्ड वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है जूम क्विल्ट। अब इससे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस चीज पर भी नजर डालें। वेल दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश पेन ड्राइव लेने की सोच रहे हैं तो ये है आपका HP का X795W पेन ड्राइव, जो कि आपको अवेलेबल होता है 32GB, 64GB एंड 128GB तक में, जिसमें आपको 3.0 की स्पीड मिल जाती है जो रीड कर सकता है 70MB पर सेकंड तक। ये नॉर्मल पेन ड्राइव से थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। और इसी के साथ दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि इसमें कैप नहीं है, ये कैपलेस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि जो बाकी के पेन ड्राइव्स होते हैं उनके भैया ढक्कन ऐसे होते हैं कि अगर निकल गया या कभी खो गया या टूट गया तो फिर भद्दा सा दिखता है, तो इसमें वो टेंशन की बात नहीं है। और ये एकदम कॉइन के जितना आपका इसका साइज मिल जाता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसी के साथ आपका इसमें सिल्वर कोटिंग फिनिश मिलती है, जो कि इसके लुक को काफ़ी स्टाइलिश बना देता है। तो अगर आप इस पेन ड्राइव को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो थोड़ा 5-10 रुपए का फायदा आपने को भी हो जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा भैया, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, पसंद आता है तो मेरी हेल्प भी कर देना, क्योंकि अभी चैनल शुरुआती दौर में है। बाकी ऐसी डील्स मैं हर वीडियोज में लेकर आता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने आपको इस वेबसाइट का नाम बताया, जो कि है zoomquilt.com। इस वेबसाइट में आपको कई रैंडम इमेज जूम होती हुई नजर आएंगे, जो बस जूम होती जाती है, होती जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब स्टार्टिंग में तो नॉर्मल सी इमेज आती है, पर जैसे जैसे ये और जूम होने लगती है वैसे वैसे हर जूम होने पर एक अलग तरह की क्रीपी इमेज नजर आती है, जो देखने में काफी हॉरिबल भी लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बंदे ने अपने डरावने सपने को यहाँ डाल दिया हो। आप एक बार खुद से भी इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है fidgetspin.xyz।
जी हाँ दोस्तों, ये वही है जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। अब इसके नाम से ही दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर एक्चुअली में होगा क्या। तो चलिए आइए आप देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब इस वेबसाइट को खोलने पर आपको एक फिजिक स्पिनर दिखता है। यहाँ पे आपको पिकाचू वाला फिजिक स्पिनर भी देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आपका स्पिन कितनी बार हुआ है और साइड में RPM बताता है। और जैसे आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक करते हैं फिजिक स्पिनर के, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है और भी कई तरह के फिजिक स्पिनर यहाँ पे अनलॉक होने के लिए बताता है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वर्चुअली फिजिक स्पिनर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास फिजिक स्पिनर नहीं है या आपने आज तक कभी खरीदा नहीं है, तो आप यहाँ से भी इसे घुमा सकते हैं और अपना मेंटल लेवल को बरकरार रख सकते हैं। अब दोस्तों, अब तक मैंने आपको जितने भी वेबसाइट दिखाई, उन सभी वेबसाइट में एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन सभी वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई भी एड नहीं शो हो रहा। तो इस वेबसाइट को चलाने वाला यानी कि उसका ओनर को किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं हो रहा होगा, पर फिर भी वो पता नहीं क्यों इसे चलाना पसंद कर रहा है। खैर जो भी हो, अभी आप ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर करके ठोक के तोड़ डालो, क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी कमाल की दमदार वीडियोस लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखना।